एक शख्स था रशीद, मजाक करता था, मजाक उड़ाता था लोगों का. ही वॉज द क्लाउन ऑफ द गैदरिंग. ही यूज टू मेक पीपल लाफ. कभी किसी को टांग अड़ा दी, कभी किसी को कोई और तकलीफ पहुंचाई. एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी बाय द वे. इट हैपेंड बैक इन 1990s. हुआ ये कि वो एक बार बार में बैठा हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ और ताश खेल रहा था. एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन इन द सेम रूटीन. उसे घर से कॉल आती है और कॉल पे कहा जाता है कि आपकी वाइफ बहुत सीरियस कंडीशन में है. हिज वाइफ वॉज प्रेगनेंट बाय द वे. आपकी वाइफ बहुत सीरियस कंडीशन में, आप जल्दी से आइए, उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है. वो इस बात को बड़ा ईजी लेता है, कहता है ठीक है, ले जाए आप. और उसी तरह हल्ला गल्ला शुरू कर देता है. दोबारा कॉल आती है, प्लीज जल्दी आइए, शी इज इन सीरियस कंडीशन, शी मे रिक्वायर मेजर ऑपरेशन. ही सेड ओके, मैं आता हूं. ही गेट्स अप, जा रहा होता है तो रास्ते में एक ब्लाइंड फकीर आता है, एक अंधा फकीर आता है और उससे भीख मांगता है कि अल्लाह के लिए मेरी मदद करो. आदत से मजबूर रशीद क्या करता है कि उस अंधे फकीर को टांग अड़ाता है. वो अंधा फकीर गिर जाता है और वो हंसने लग जाता है और उसके दोस्त भी हंसने लग जाते हैं. ये करके रशीद चल पड़ता है हॉस्पिटल की तरफ. हॉस्पिटल पहुंचता है तो पता लगता है कि वाइफ बड़ी सीरियस कंडीशन में थी, बट उसका मेजर ऑपरेशन हुआ और अल्लाह ने उसे एक बेटा दिया. डॉक्टर्स बाहर आते हैं, कहते हैं रशीद मुबारक हो, अल्लाह ने आपको बेटा दिया है. वो बहुत खुश होता है. लेकिन एक प्रॉब्लम है, आपके बेटे की आंखें नहीं, आपके बेटे की साइट नहीं, ही कांट सी. रशीद उसी वक्त गिर जाता है, बैठ जाता है और उसे लगता है कि जैसे उसके ऊपर किसी ने एक बहुत बड़ा पहाड़ गिरा दिया. उसे फौरन याद आता है कि मैंने उस अंधे फकीर को टांग अड़ाई थी, तो शायद अल्लाह ने मुझे सबक सिखाने के लिए मेरा जो बेटा है उसकी आंखें ले ली. वो कहता है उस दिन के बाद मुझे उस बच्चे से नफरत हो गई और मैं उससे दूर भागने लगा. मेरा उसको देखने का दिल नहीं करता था. उस बच्चे का नाम उसने रखा सलीम. उसकी जो मदर थी बहुत नेक, तकवे वाली, नमाजी, परहेजगार, और वो अक्सर दुआ किया करती थी रशीद के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, कि अल्लाह इसको हिदायत दें, इसकी हिदायत का इंतज़ाम करें. अल्लाह डिफरेंट तरीक़ों से दुआ सुना करते हैं. अल्लाह का एक तरीका है इंसान को हिदायत देने का. रशीद कहता है कि उसके बाद वो बच्चा चल भी नहीं सकता था. कुछ अरसे बाद मुझे पता लगा ये तो क्रिपल्ड भी है. उसने कहा अब तो मुझे मजीद नफरत हो गई इस बच्चे से. उसके बाद अल्लाह ने उसे दो बेटे दिए और वो सारा टाइम उन बच्चों को देता था और सलीम को बिल्कुल टाइम नहीं देता था. जबकि सलीम की जो वालदा थी वो बच्चे से बहुत मोहब्बत करती थी, बच्चे को कुरान पढ़ाती थी, बच्चे को कुरान हिफ्ज़ कराना शुरू कर दिया उनकी वालदा ने. रशीद को बिल्कुल नहीं पता था. एक दिन रशीद घर में बैठा हुआ, सलीम आया, सलीम ने उसका हाथ पकड़ा. सलीम ने कहा बाबा मस्जिद में चलें. रशीद बहुत हैरान हुआ, कहता कि क्या मतलब. उसने कहा कि बाबा मुझे रास्ता पता है मस्जिद का, हम मस्जिद में चलें. तो बड़ा हैरान हुआ, बड़ा शर्मिंदा हुआ कि बच्चा अंधा है, इसे मस्जिद का रास्ता कैसे पता है. उसने कहा अच्छा चलो चलते हैं. ही सेड के बाय माई सरप्राइज सलीम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मस्जिद तक लेकर गया. बिल्कुल ट्रू इंसिडेंट है. मस्जिद में लेकर गया, कहा बाबा कुरान लाएंगे ज़रा. रशीद कुरान लेकर आता है. सलीम कहता है बाबा सूरह कहफ तो खोलें. रशीद बहुत हैरान होता है, कहता है मेरे बेटे तुम्हें पढ़ना आता है, तुमने कब सीखा. वो कहता है आप खोलें तो सही. रशीद कहता है कि मैंने खोल दी सूरह कहफ. सलीम पढ़ना शुरू करता है और बड़ी तरतील के साथ पढ़ता है सूरह कहफ. रशीद की आंखों में आंसू आ जाते हैं, रशीद रोने लग जाता है और उस टाइम अल्लाह से कहता है मेरे अल्लाह ये बच्चा अंधा नहीं, अंधा मैं हूं. अंधा मैं हूं जिसके घर के करीब मस्जिद थी लेकिन आज तक मस्जिद का रास्ता नहीं पता था. अंधा मैं हूं कि कुरान मेरे सामने था लेकिन मैंने आज तक नहीं पढ़ा. ये बच्चा अंधा नहीं है. वेरिली इट इज द हार्ट्स दैट आर ब्लाइंड नॉट द साइट. वो दिन और उसके बाद का दिन रशीद कहता है उस बच्चे ने मेरी जिंदगी तब्दील कर दी. मैंने एक नमाज नहीं छोड़ी, कोई ऐसा दिन नहीं जब मैंने कुरान की तिलावत नहीं छोड़ी. सलीम से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई, इतनी मोहब्बत हो गई कि बाकी सब बेटों से ज़्यादा मैं उसको तवज्जो देने लगा.
फिर हुआ ये कि वो बिज़नेस टूर पे गया रशीद, पीछे से उसने कॉल की, सबसे पहले सलीम कैसा है, सलीम कैसा है, बिल्कुल ठीक है, आपको बहुत याद करता है, मैं भी सलीम को बहुत याद करता हूँ। एक महीना गुजरा, एक महीने बाद वो घर आया, घर आकर उसने सबसे पहले किसका पूछा, सलीम कहाँ है, वेयर इज़ सलीम। बीवी खामोश, बच्चों से पूछा, मुझे बताओ सलीम कहाँ है। बच्चों ने कहा, बाबा सलीम तो जन्नत में चला गया। रशीद फूट फूट कर रोने लगा। वाइफ को कहा, मुझे बताया क्यों नहीं। वाइफ ने कहा, आपके पीछे से उसको बुखार हुआ था बहुत तेज, जिसकी वजह से हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, आपसे कांटेक्ट नहीं हो रहा था, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसकी जान जो है, उसकी रूह जो है, कब्ज कर ली। रशीद बहुत रोया, लेकिन उस वक्त रशीद ने अल्लाह की तरफ हाथ उठाया और कहा, है मेरे रब, मैंने सारी उम्र गफलत में गुजारी, लेकिन इस एक बच्चे ने मेरी जिंदगी तब्दील कर दी, इस एक बच्चे को तूने मेरी जिंदगी में भेजा ताकि मैं तेरी तरफ पलट जाऊं, ताकि मुझे तेरी याद आए, और अब जब इसका पर्पस खत्म हो गया तो तूने इसको अपने पास बुला लिया क्योंकि ये तेरी अमानत थी। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डू यू नो सलीम कौन है? सलीम वो चैलेंज है, वो मुश्किल है आपकी जिंदगी में, जिसको आप जहमत समझते हैं। सलीम वो मुसीबत है जिससे आपको नफरत है। लेकिन सलीम क्यों आया आपकी जिंदगी में? क्योंकि अल्लाह ने भेजा। और अल्लाह ने क्यों भेजा? ताकि आप अल्लाह की तरफ पलट सकें, ताकि आप उस सॉफ्टवेयर को अपना सकें जो सॉफ्टवेयर आपके लिए उतारा गया है, जिससे आपने जिंदगी की मुश्किलात का मुकाबला करना है। सलीम से नफरत मत कीजिए, अपनी मुश्किलात से नफरत मत कीजिए।